हेलो गाइस, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इस खोबरे के बारे में बात करेंगे, इस ड्राई कोकोनट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया फ्रूट है और इसके अंदर हमें सैचुरेटेड फैट मिल जाता है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, और डाइजेस्टिव फैट होता है। इसके अंदर हमें जीरो कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, इसके अंदर फाइबर मिल जाता है, इसके अंदर हमें आयरन मिल जाता है, B6 मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, मैंगनीज मिलता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और हमारे सेहत के लिए हेल्प करता है, हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। और खास बात है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऑलमोस्ट सारा क्लाइमेट ठंडा हो चुका है। अगर आप इसे ड्राई क्लाइमेट में खाते हो तो आपको एसिडिटी बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको विंटर में खाते हो और सर्दी में खाते हो, जब क्लाइमेट ठंडा होता है, जिस लोकेशन पे क्लाइमेट ठंडा है उस लोकेशन पे अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है और फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और ये प्रोटीन और फाइबर और कैलोरीज हमारी बॉडी इजीली बर्न कर लेता है, तो ये हाई कैलोरी फूड में काउंट होता है, हाई कैलोरी देता है। तो जहाँ पे मोस्टली विंटर है या क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है वहाँ के लोग इसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल फ्रूट है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है। बस दिक्कत है कि इसको आपको थोड़ा लिमिट फॉर्म में खाना है। अगर आप एडेक्वेट फॉर्म में खाते हो, प्रॉपर फॉर्म में खाते हो और किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बना के खाते हो तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। कई बार आपने सुना रहेगा जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं वो जो खाना बनाते हैं, जो डाइट बनाते हैं, उसे बनाने के लिए कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। उसकी खासियत यही है कि ये आपका फैट भी बर्न कर सकता है। हम जनरली सोचते हैं कि कोकोनट के अंदर हमें ढेर सारा फैट मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है ये डाइजेस्टिव फैट होता है, इजीली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है और इसका जो भी वेस्ट बनेगा बहुत ही कम बनता है, बॉडी के अंदर नहीं रुकता है, इजीली फ्लश आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया ड्राई फ्रूट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको हो सके तो विंटर में खाना है, या जहाँ पे बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है या ठंडा क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट नियर बाय 30-32 के आसपास रहता है या less than 32 के नीचे रहता है, वहाँ पे आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कैलोरी देता है। और हमारे यहाँ गणेश जी का उत्सव चल रहा है और गणेश जी के उत्सव में गणेश जी को लड्डू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे लड्डू बनाए जाते हैं और गणेश जी को प्रसाद एज ए प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इसे बनाने के लिए मोस्टली घी का इस्तेमाल होता है, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, थोड़ा इलायची और जायफल जो होता है वो डाला जाता है और उसका मिक्सचर बना के इसे लड्डू के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। और वो लड्डू गणेश जी के प्रसाद के लिए दिया जाता है और साथ साथ सारे लोग, घर के लोग खाते हैं। तो ओवरऑल यही है कि गणेश जी जब आते हैं तो क्लाइमेट ठंडा हो चुका होता है और विंटर शुरू होने वाला होता है, बारिश का एंड होता है और विंटर का स्टार्टिंग होने वाला होता है। तो ऐसे मौसम में एक ये इंट्रोडक्शन है इस फ्रूट का कि चलो भाई हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसे खाना है और इसका प्रिपरेशन बना के लेना है, कुछ अच्छा स्टफ बना के इसे कंज्यूम करना है। तो बहुत ही बढ़िया है और जाते जाते आप सबको हैप्पी गणेश उत्सव, और आप भी आपके गणेश जी के लिए इसे लड्डू बनाएं और प्रसाद में रखें और आप खुद भी खाएं। और ईट हेल्दी बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।